अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद डीडी सिस्टर। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी कटलेट्स की रेसिपी, जिसका नाम है चिकन वेजिटेबल कटलेट्स। तो चलिए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। आलू बॉईल किए हुए मैं वो मैश कर लिए हैं। 5 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनको मैश कर लिया है। वेजिटेबल्स लिए हैं मैंने, शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज, बंद गोभी। चिकन लिए मैंने, श्रेडेड कर लिए बॉईल करके। नमक, सोया सॉस, अंडे, सिरका, चिकन पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिल्ली सॉस, ऑयल, हॉट सॉस, लास्ट में ब्रेड क्रम्स। तो चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने कढ़ाई ले ली है, चूल्हा जला दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। इसमें ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें वेजिटेबल शामिल करूँगी। गाजर डालूँगी, मैंने गाजर 1 कप ली है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। शिमला मिर्च मैंने 1/2 कप ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी, ये मैंने 1 कप ली है। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी। 1 टी स्पून मैं इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डालूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं हॉट सॉस डालूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं चिल्ली सॉस डालूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं सिरका डालूँगी। सब कुछ डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो गई है वेजिटेबल्स। अब मैं इसमें चिकन डालूँगी 1 कप, जो कि बॉईल करके श्रेडेड कर लिए है। इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब इसको इतना पकाना है कि ये इसमें जो थोड़ा सा पानी है, नमी, वो ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। ये वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। मैंने इसे 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर मैं इसे गरम गरम आलू के अंदर मिलाती तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देते, इसलिए इसे ठंडा करना ज़रूरी है। मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे बनाऊँगी। अब मैंने बाउल में आलू डाल दिए हैं, ये मैश हुए हुए। ये मैंने 5 आलू लिए थे, जिन्हें बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसमें मैं सारी वेजिटेबल्स डालूँगी। मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। अब मैं इसमें हरी प्याज शामिल करूँगी। हरी प्याज मैंने 1 कप लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके कटलेट्स बनाऊँगी। अब मैंने ऑयल लिया है, मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस तरह से अपने हाथों पर। ऑयल लगा लिया है मैंने। अब मैं इसे थोड़ा सा लूँगी बैटर को और इसे इस तरह से पहले राउंड शेप दूँगी और फिर इसे मैं इस तरह से कर लूँगी। इस तरह से बनाऊँगी मैं ये सब। मैं इसी तरह से बना लूँगी। इस तरह से बनाने के बाद मैं सबको फ्रिज में रख दूँगी 15 मिनट के लिए। कटलेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैंने फ्रीज़र में रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। आप फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें, कहीं भी रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने यहाँ 2 अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अंडों में मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, 1/2 टीस्पून में इसमें सॉल्ट डालूँगी। इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। ये अंडा बीट हो चुका है अच्छे से। अब इसमें मैं कटलेट्स डालूँगी और इसे अच्छे से अंडे से कोट कर देंगे। ये कोट हो चुका है अंडे का। अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स में डालूँगी और इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी। ये इस तरह से बना लूँगी मैं सब। ये देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। बाकी सब भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये देखिए सारे कटलेट्स, फिर ब्रेड क्रम्स और अंडा लग चुका है।
अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें कटलेट्स डालूँगी। ये कटलेट्स मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं, फ्रिज या फ्रीज़र किसी में भी रख सकते हैं। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए डालूँगी। अब इन्हें मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी, जब तक फ्राई करना है तब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी, डिश आउट करूँगी। टाड़ा, हमारे मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल कटलेट्स तैयार हैं। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।